आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियाँ होंगी, और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक थे उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी, और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चल के 85,000 से ज़्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं, और हम लोगों ने यह ध्यान रखा है जब नियमावली बनाएंगे उनकी स्थानांतरण की तो उसमें काफ़ी उदारता रखेंगे, खास करके महिलाओं के बारे में और ख़ास करके असाध्य रोग या इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित है या पति पत्नी है उन लोगों का स्थानांतरण में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो। किसी कारण से हमारे जो SCERT जो इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके, और वहाँ पर जो सिलेबस बनाए जाए वो ऐसे बनाए जाए कि वो आगे चल के हमारे छात्र छात्राएं जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें वो बेहतरीन रूप से सामने आ सके कर सके। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएँ उसको दे पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर, और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है जिसका आने वाले सत्र तक इसके बाद के सत्र तक उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थी कि जो काम हुए अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होंगी, और कुछ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके ताकि सही आंकड़ा आ सके, और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो ये पता चलेगा कि जो 25% जो गरीब बच्चे हैं बच्चियाँ हैं और जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है वो सही आंकड़ा आ सके हमारे पास, और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, और पिछले साल 1,35,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पाएंगी। सरकार की जो मुख्य जो स्कीम्स हैं जैसे मिड डे मील मध्यान्ह भोजन करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें नित्य 1,10,00,000 बच्चों को हम मध्यान्ह भोजन सही तरीके से देते हैं, और उसमें जो अगर शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है, उसके बारे में हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हम करा रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है। और अंत में मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए हैं। शिक्षकों की संख्या महोदय 2006 में 1,80,000, इस बार 2024 में 5,77,000। किस तरह से विद्यालय में जो छात्र और शिक्षा का अनुपात था पहले जो 65:1 का था अब 32:1 का हो गया। उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33% थी अब 74% हो गई। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जो है 1% से कम हो गए हैं, और बजट में 11 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। अतः मैं अपने शेष अब एक मिनट का टाइम है, आप समय कहाँ हैं?
अतः सदन हमारी मांग को पारित करे और हमारी जो प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जो हमने जो वक्तव्य है। क्या माननीय सर जी अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? बोलेंगे सर ना? हाँ सर, महोदय पुनः आग्रह बताइए। प्रश्न यह है कि शिक्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें। अरे आप ही नहीं बोल रहे अजय जी, अरे आप कहें तो आप तो बोलिए, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ। प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 के उपबंध के अतिरिक्त 10,391,20,83,000 रुपये से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय संसदगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय संसदगण, अब शेष अनुदानों की मांगे गिलोटिन के माध्यम से लिए जाएंगे। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 द्वारा कृषि विभाग के मांग संख्या 1 कृषि विभाग के संबंध में 303,35,45,000 रुपये, मांग संख्या 2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 310,52,49,000 रुपये, मांग संख्या 3 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 2,847,47,97,000 रुपये, मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 41,44,96,000 रुपये, मांग संख्या 6 निर्वाचन विभाग के संबंध में 87,85,00,000 रुपये, मांग संख्या 7 निगरानी विभाग के संबंध में 48,00,000 रुपये, मांग संख्या 8 कला संस्कृति के संबंध में 17,44,28,000 रुपये, मांग संख्या 9 सहकारिता विभाग के संबंध में 78,20,000 रुपये, मांग संख्या 10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 7,885,01,35,000 रुपये, मांग संख्या 11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 12,00,000 रुपये, मांग संख्या